हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, घर के कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और उसकी वजह से हमारे बाकी काम बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे खास खास इंटरेस्टिंग से टिप्स, जिसकी मदद से आपके घंटों का काम भी मिनटों में हो जाएगा और साथ ही साथ ढेर सारी बचत भी होने वाली है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को देखना शुरू करते हैं। वीडियो अगर जरा सी भी पसंद आया तो रोज की तरह एक लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हम सबके घर में जो ये टूथ ब्रश होते हैं ना, उनका यूज हम सभी लोग करते हैं, लेकिन कुछ ही दिन में आपने देखा होगा जो इनके ब्रश होते हैं ना, वो फैल जाते हैं। कभी कभी बच्चे या बड़े ज़्यादा पेस्ट ले लेते हैं और सही से ब्रश नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर काफ़ी सारा पेस्ट भी भर जाता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी गंदे लगने लगते हैं और हम इन्हें बेकार समझकर फेंक देते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ आप इन्हें घर पर ही ठीक कर सकते हैं, बिल्कुल नया जैसा कर सकते हैं, तो शायद आपको लगेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन सच में ऐसा हो सकता है। अगर आपके भी टूथब्रश के ब्रशेस फैल गए और वो काफ़ी गंदे लगने लगे हैं, तो आप इस टिप्स को ज़रूर फॉलो करें। तो आप एक ग्लास ले लीजिए, स्टील का या कांच का, और फिर उसमें इन ब्रशेस को इस तरह से डाल दीजिए और फिर आपको इसमें आधा चम्मच सोडा डाल देना है, जो खाना सोडा होता है ना, जिसे हम मीठा सोडा बोलते हैं, बस वही लेना है। और उसके बाद थोड़ा तेज़ गर्म पानी ले लीजिए। गर्म पानी इसमें इतना डालना है जिससे कि आपके जो ब्रशेज हैं वो अच्छे से डूब सकें। और उसके बाद 5 मिनट के लिए, जब तक पानी अच्छे से गर्म है, इसको इसमें ऐसे ही छोड़ दीजिए। 5 मिनट के बाद आप देखेंगे जो ब्रशेस के तार इधर उधर फैले हुए थे ब्रश करने की वजह से, वो काफ़ी हद तक नॉर्मल शेप में आने लगे हैं। अब एक ब्रश से दूसरे ब्रश को इस तरह से पानी में ही रगड़ दीजिए, जिससे जो भी पीलापन या गंदगी है वो भी साफ़ हो जाएगी। और फिर से इसे 5 मिनट के लिए इसी पानी में डाल दीजिए और किसी वजह से इन ब्रश के बीच में जो गंदगी या पेस्ट लगा हुआ था वो नहीं निकला है, तो आपको क्या करना है, आपको ले लेना है इस तरह से चाकू या पिलर, और इस चाकू की हेल्प से आप इन ब्रशेस के अंदर की गंदगी को निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने ब्रशेस को साफ कर सकते हैं और इन्हें बिल्कुल नया जैसा कर सकते हैं, क्योंकि हमने इन्हें गर्म पानी और सोडे में डाला था, तो ये पूरी तरह से जर्म फ्री हो चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। दोस्तों, जब हम वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हैं तो हमें यही शिकायत रहती है कि डार्क कलर के और ब्लैक कलर के कपड़ों पर वाइट धब्बे क्यों हो जाते हैं, वो क्यों नहीं साफ़ होते। तो जब भी आप वॉशिंग मशीन में कपड़े धुले तो सबसे पहले उसमें पानी भर लें और फिर उसके बाद आपको सर्फ़ डाल देना, और सर्फ डालने के बाद वॉशिंग मशीन को चला देना है, जिससे जो सर्फ है ना वो अच्छे से घुल जाए। क्योंकि अगर हम पहले कपड़े डालते हैं और फिर पानी भरने के बाद उसमें सर्फ डालते हैं, जिसकी वजह से जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं ना, उसमें सर्फ के धब्बे लगे रह जाते हैं, वो अच्छे से साफ़ नहीं हो पाते। और जब आप इस तरह से सर्फ डाल देती हैं तो सर्फ पूरी तरह से घुल जाता है, और इस तरह से जब पानी में सर्फ अच्छे से घुल जाता है तो आप कम सर्फ में ज़्यादा कपड़े धुल सकते हैं, क्योंकि जब सर्फ पानी में घुल जाता है ना तो वो कपड़ों पर नहीं चिपकता है, जिसकी वजह से कपड़ों पर धब्बे नहीं पड़ते। आपको कपड़े धुलने का ये तरीका ज़रूर पसंद आएगा, एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगली टिप की बात करते हैं। दोस्तों, नमक का यूज़ हम सभी लोग अपने घरों में करते हैं, लेकिन खाने के स्वाद के साथ साथ इसका यूज़ और भी कई तरीकों से किया जाता है, जो कि ज़्यादातर लोग शायद जानते ही हैं। आज मैं आपको नमक की एक टिप बताने वाली हूँ, जो शायद आपको इतनी ज़्यादा पसंद आएगी कि आप भी इसे फॉलो करेंगे। जैसे कि ये मेरे पास ये नमक का डिब्बा है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है ना कि हमें काम करते वक्त कई बार मोच लग जाती है, पैरों में या हाथों में कई बार नस खिंच जाती है, जिसकी वजह से हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और लोग हमें यही एडवाइस देते हैं कि नमक की हमें सिकाई करनी चाहिए। नमक की सिकाई के लिए आपको गर्म पानी करना पड़ता है और उसमें नमक डालना पड़ता है। दोस्तों, जैसे आजकल गैस बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, तो आप एक काम कर सकते हैं, कोई भी नया या पुराना जो भी आपके पास हो, आप एक सॉक्स ले लीजिए और इसके अंदर आप तकरीबन आधी कटोरी नमक डालकर रख लीजिए। आप चाहें तो फिर ना इस नमक को फेंकिए मत, आप इसका यूज़ कर सकते हैं कई तरीक़ों से। कई बार आप पोछा लगाते हैं तो उसमें ये नमक डालकर आप पोछा लगा सकते हैं, उससे फ्लोर जो है ना बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, मक्खी मच्छर वगैरह भी नहीं आते हैं। या फिर आप केक को बेक करते हैं, उसमें इसका यूज़ कर लीजिए। नमी वाली जगह पर इस नमक को रख लीजिए, तो जो नमी होती है ना, उस वो नमक अपने अंदर सोख लेता है। तो जो ये सॉक्स में नमक है ना, मैं इस नमक की बात कर रही हूँ, तो कई तरीके से इस नमक का आप यूज़ कर सकते हैं।
तो जैसे मैंने इस सॉक्स में नमक रख दिया था और आप देख सकते हैं कि प्रेशर कुकर में खाना बिल्कुल गर्म है, सीटी अभी भी इसमें आ रही है। तो जैसे आपको यहाँ पर 10 से 15 मिनट लगेंगे इस कुकर को ठंडा होने में। तो जब तक ये कुकर गर्म है तो इस नमक की पोटली से आप अपने हाथों पर या पैरों पर इससे सिकाई कर सकते हैं, क्योंकि नमक की सिकाई से है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और इस तरह से आप इसका यूज़ करेंगे तो आपको फालतू गैस भी नहीं खर्च करनी पड़ेगी, कोई भी पानी नहीं उबालना पड़ेगा। और सर्दियों में पानी से सिकाई करना किसी को भी नहीं पसंद होता है, पानी गर्म हो या ठंडा। तो इस तरह से इस पोटली से सिकाई करने पर आपकी चोट या मूंछ में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली यूज़फुल टिप की तरफ। तो अगली टिप हमारी किचन से आती है। तो मार्केट से कभी कभी हम चुकंदर गाजर वगैरह ले आते हैं और हमें उसने यूज़ करने को याद ही नहीं रहता है और वो इसी तरह से रखे रहते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी पिलपिले से हो जाते हैं और फिर हम उन्हें ख़राब समझकर फेंक देते हैं। उनकी स्किन काफ़ी सिकुड़ से जाती है, तो आपको इन्हें फिर से टाइट और ताज़ा करने के लिए करना क्या है, एक बाउल में इन चुकंदर को डाल देना और फिर हम लेंगे आइस क्यूब और इसमें डाल देंगे। इस टिप से आपके जो बेकार से चुकंदर थे ना वो फिर से ताज़ा हो जाएंगे, मानो आपको लगेगा कि अभी आप मार्केट से लेकर आए हैं। आइस क्यूब डालने के बाद आप इसमें ठंडा पानी डाल दें और इतना पानी डालना है आपको कि ये जो चुकंदर है ना पूरी तरह से पानी में डूब जाएं, और 10 मिनट के बाद आप देखेंगे बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। तो 10 मिनट के लिए इन्हें ऐसे ही छोड़ दें। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी टिप्स थी जिनका इस्तेमाल करके आपकी डेली लाइफ काफ़ी हद तक आसान होती है, बचत भी होती है और हमारा काम भी आसान होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये सारी टिप्स पसंद आई होगी। वीडियो अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इस वीडियो को दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। और मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को भी ज़रूर फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।